है तो उसको तर्क कर दें। आप तभी किसी जिम्मेदारी को उठाने के अहल बन सकते हैं, कोई भी मैं या आप, जब हमें इल्म हो, जब हमारे पास मालूमात हो, जब हमारे पास अच्छे और बुरे की तमीज हो, जब हमें दोस्त और दुश्मन की शनास हो, जब हमारे अंदर वो सलाहियत हो कि हम अपनी जिबलतों पर काबू पा सकें, जब हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें, जब हमारे अंदर सब्र और बुर्दबारी और तहमुल पैदा हो जाए, और ये सब चीजें इल्म से मिलती हैं। और इल्म हासिल करने के बाद अमल की बारी आती है। अमल तब मिलता है जब आदमी ऐसे लोगों के साथ बैठे जो सही इल्म हासिल करने के साथ साथ उन सही चीजों पर, उन सही मालूमात पर, उस दुरुस्त चीजों पर, क्योंकि इल्म तो एक वसी मकोम रखता है। अमल जो हमारा इल्म पर होता है तो उन उलूम में से जो ऐसी चीजें हैं जो वाकई अमल करने के काबिल होती है, जो वाकई इस लायक है, तो उनको मुंतखब करके जेरे अमल लाया जाए। तो ये फैसला हर एक नहीं कर पाता। वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो दुरुस्त और खराब में तमीज कर सके। आप किसी लाइब्रेरी में चले जाए, हजारा किताबें पढ़ी हुई मिन हैज मजमू, तो सब मालूम रखती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सब किताबें ही अच्छी हों। वो सब किताबें ही इस काबिल हैं कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन उस सब पर अमल किया जाए। उन किताबों में से जितनी भी वहां किताबें मौजूद हैं उनमें उन सब किताबों में से कुछ बातें ऐसी होंगी जो वाकई अमल करने के काबिल होंगी और कुछ ऐसी बातें होंगी जो अमल करने के काबिल नहीं होंगी। तो दोस्तों ये सलाहियत हर एक में नहीं होती है। हम जब मुर्शिदे कामिल की ज़ात को पकड़ते हैं, उसकी सोबत में जाते हैं, तो हमारा ये गुमान होता है, यकीन होता है कि ये वो शख्स है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि जो सही और गैर सही में तमीज कर सकता है, जो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता है, जो अमल करता है वो हमारे लिए एक उज्जत बन जाती है। हम उसकी उस अमल पर, उसकी राह पर चलने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ताकीद की जाती है कि अपने आप को इल्म के लिए वक्त करें। और मौजूदा दौर में जो हम नाकामी से दोचार हैं, बहुत पश्चिम में भी पड़े हुए हैं, इस वजह से है कि हमने इल्म को वो अहमियत नहीं दी है। हमारी दर्शगाहें, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज, हमारे मदरसे, वो चीज क्या मुहैया कर रहे हैं, कर रही है जो चीज हमारे नौजवानों को चाहिए। तो आपको ताकीद की जाती है कि अपने इल्म को सबसे अहमियत दें। और इल्म ऐसे नहीं मिलता, इल्म बड़ा एक संग दिल, बड़ा ही सख्त दिल, बड़ा ही बेरहम दोस्त है। आप ये समझते हैं कि इल्म हासिल करना पाए आपका अकेले, और इल्म आप, हम ये लफ्ज कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी जबान पर चढ़ाया तो मैं कह दूंगा, इस हाल में होता है कि इल्म हमारा हम पर टूटता भी नहीं। हम कहते हैं कि इल्म हासिल करना हमारे पाए आपका अकेले, लेकिन इल्म कहता है कि ऐसे सेठू मेरे दर पर धक्के जा रहे हैं, मैं तो उनको नहीं पूछता। तो इल्म हम कहते हैं कि संग दिल महबूब जो है कोई औरत होगी या कोई इंसान होगा। मैं कहता हूं संग दिल महबूब इल्म है। और लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि संग दिल महबूब आपके कदम में, लेकिन ये संग दिल महबूब आपके कदम में ऐसे नहीं आएगा। ये संग दिल महबूब आपके साथ तब रह सकेगा जब आप अपनी जान, जिगर, दिल, गुर्दे, खून सब इस पर निछावर करें। और ये निछावर करने के बाद भी आपका नहीं होगा, ये सब निचावर कर दे फिर अल्लाह का फजल आपकी दस्तगीरी करता है और खुदा की करम और मेहरबानी और शफकत और हुक्म से फिर इल्म आपके साथ आपके दिल में आता है। तो जिस तरह सैदी ने कहा है कि अजब इल्म हम जो शम पाया तो गुदा, कि इल्म के पीछे इस तरह अपनी जान जलाओ जिस तरह आप आग के पीछे एक शम अपने आप को जलाता है। तो आप इस इल्म को आसान न समझिए, इस इल्म को मामूली न समझिए, इसके लिए अपनी जान और अपने जिगर और अपने दिल का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। और जब ये चीज मिल जाएगी तो फिर अमल की बारी आती है, और अमल सिखाने के लिए ऐसे शख्स के पास जाया जाता है जो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता है। और अमल जब हासिल हो जाए तो फिर उसके बाद इखलास की बारी आती है,
कि हम अमल वो ऐसा करें जिसमें हमारे अपने नफ्स का अमल दखल न हो, हम अपनी शोहरत न चाहते हो, बल्कि हम अपने हकीकी दोस्त की रजा और खुशनूदी चाहते। वैसे तो हमारा हाल ये है कि लोगों के सामने, मैं अपनी बात करूं, कि लोगों के सामने हम कुछ होते हैं, जब हम तनाइयों में होते हैं हम कुछ और होते हैं। ये इससे ये मालूम होता है कि लोगों के लिए हम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि आप अल्लाह की जात के साथ सच्चे बन जाए और आपके दिल में क्या इरादे हैं और क्या तमन्ना है और आपका जाहिर कैसा है और किस तरह है, ये अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जैसे आपका अंदर है वैसे ही बनकर रहे। हम अपने जाहिर को सजाकर और संवार कर ये समझते हैं कि हम शरीयत के आमिल बन गए, हम शरीयत के आमिल बन गए और लोग भी हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई हाँ ये मौलाना है, ये अल्लामा है, ये खलीफा है, ये पीर है, ये साहबजादा है। लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं और हमारा सिक्का बैठ जाता है, हमारी तारीफ हो जाती है। लेकिन अल्लाह तआला की बारगाह में मामला सिफर होता है, माइनस होता है, कुछ भी नहीं होता। वो जात जान नहीं होती है उन चीजों को जो आप लोग उन चीजों को नहीं जान रहे होते। तो अब ये आप पर मुनासर है कि आप लोगों को खुश करना चाहते हैं या अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। लोगों को खुश करने की तकाजाएं कुछ और है, अल्लाह ताला को खुश करने की तकाजाएं कुछ और होती है। और ये भी मैं बात कर रहा हूं।